वेलकम टू वन बी स्टार किड, मैं हूं अमर। सो गाइस, जब लास्ट टाइम स्ले पॉइंट ने वीडियो बनाया था ऑनलाइन क्लासेस एंड फिजिक्स वाला के बारे में, जब उन्होंने क्लिप्स दिखाए तो यार मतलब बहुत ज़्यादा उनको हेट मिली थी। एंड यार अब पता नहीं क्या हुआ था उसके बाद, सॉरी बॉरी अब पता नहीं लोगों ने बोला या नहीं, बट आई गेस नहीं बोला है। आई थिंक क्लैरिफिकेशन दिया था इन लोगों ने कि इन लोगों ने कुछ रोस्ट नहीं किया है, सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल हेल्दी वे में, मतलब रोस्ट नहीं किया था, सिर्फ मतलब क्लिप्स दिखा के उनके बारे में बातचीत की थी। बट अब पता नहीं ये जो वीडियो है आई एम द मोस्ट हेटेड यूट्यूबर इन लोग ने बनाया है, तो यार अब उसी टॉपिक से रिलेटेड होगा राइट। यार अब तो मुझे नहीं पता यार, ये लोग कुछ भी कर देते हैं। बट यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आई नो थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, आई थिंक 3 या 4 5 दिन लेट हो गया हूँ, बट कोई बात ही, ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ। तो फटाफट से ये वीडियो देखते हैं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। मर जाओ तुम दोनों, निब्बा मर जाओ, बंद करो ये YouTube चैनल मनुष्य लोग, लो मर जाओ यार। क्या ये हेट कमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाई है? हाँ मतलब यार हेट तो मिली थी इन लोग को, लेट्स सी। तेरी माँ की चू की औलाद, बहन के पकौड़े, माँ की हैंड हैंड, इतने गंदी गंदी गालियाँ पड़ी थी इन लोग को है, एंड माँ की पकौड़े। एक्चुअली सबको पड़ती है, मेरे को भी हेट कमेंट्स आते हैं गाइस। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं भी हेट कमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, कमेंट करके बता दो। सिंगल ही मरेगा चू, अब वो दाई हिमकर भाई वरना लड़की नहीं पटेगी। खाली थी ये जगह, आंसुओं से भरी है। अच्छे कमेंट्स खाने बैठे और आगे मगरमच्छ। पाद खाले साले, गू खाले, गू खा के मर जाओ सालों। एक प्लेट गू लगा दो। पाद खाले कौन बोलता है, और ये बोलता है एक प्लेट गू लगा दो। वाह बहुत दुख है भैया लाइफ में। व्हाट्स अप मोड़ी, गोल गोल रोटी गौतमी मोटी। भैया ले जाओ आप। कौन से एंगल से मोटी लगती है भाई गौतमी? भैया मेरी चलोगे? नहीं नहीं, आपको तो गंडा में फेंकने को बोले हैं, मैं नहीं जाऊंगा। अबे युगांडा फेंक देंगे। लड़के को चाइना, लड़की को अफ्रीका के कॉन्गो फॉरेस्ट छोड़ के आओ। ऐसे कौन कमेंट्स करता है भाई? अबे ए येड़े, ओए मिच पैट कहां से आ गया? ओ माय गॉड, मैंने क्या बोला गाइस, ये लोग ना मतलब इतना सरप्राइज करते हैं ना अपनी वीडियोस में। मेट्रो चाइना को नहीं जाती। और मैडम आप, आपको कॉन्गो फॉरेस्ट जोड़ दूं कि आ जाओ मेरे मेट्रो में बैठो कम। अरे अच्छा हुआ तो आ गया, तू ही तो मेरे लाइफ का टाइम पास है, अब बोर नहीं होंगी। इफ हग दिया हैड अ फेस। दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, वेदना, व्यथा। मैं अभ्युदय, आप मुझे अबला नारी, चूसल, चिमकांडी से शकल और पिंपल कुमार के नाम से जानते होंगे। मैं गौतमी, also known as काली मैगी की कटोरी। और हमारी qualifications है तीसरी फेल, चौथी फेल, पांचवी फेल, सातवीं फेल, दसवीं फेल, बारहवीं फेल, हम फेल ही हुए जा रहे हैं। मैं स्कूल में रहूंगा जब तक मेरा बेटा मेरा क्लासमेट ना बन जाए, अनपढ़ अनपढ़ यूट्यूबर। इंटरनेट पे बोला है सही होगा, मैं मूतना भूल चुका हूँ, सारा पानी अब आंखों से ही निकल, लोगों का खून खोल चुका। आंखों से निकलता है पानी या कहीं और से निकलता है? पीछे टिश्यू पेपर देखो कैसे रखे हैं। क्या अब वो चुप नहीं बैठेंगे? इतना गुस्से वाला है, इतना गुस्सा कि हमारे चेहरे पर ड्राइंग बना दी। ओ नो, से कैसे रिकवर करेंगे? खत्म, हम खत्म हो गया। पता है कितना हंसा रोया हूँ मैं ये देख के, क्लास 2 के बुलिंग की याद आ गई। चैनल नेम का फायदा है क्या जो किसी से बोला ही ना जाए? बिकॉट सैली पॉइंट, स्लाया पॉन्टी, पेंटी की छोटी बहन, स्लाया पॉन्टी, सॉल्ट पॉइंट, इसमें है वही जो आपके मन पसंद। सॉल्ट बे नहीं बोल दिया, अच्छा किया है, नमक में नहीं। सिट पॉइंट, सेयल पॉइंट, सलीप्यून, साला गे पॉइंट, लेफ्ट पोनीत, हम खुद
भूल गए चैनल का सही नाम क्या है, इसीलिए सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे होंगे। दोस्तों को कैसे बता रहे हो? साला ये पॉइंट देखा कर, इसको सब्सक्राइब कर। वो बेचारा मां 6 महीने से किसी पुनीत को ढूंढ रहा है। अनसब्सक्राइब एंड हक के जा रहा हूं चैनल पे। हाय हाय, जाते हुए अपनी धो तो लेता। साफ करते हैं यार, मत बोल नहीं तो चैनल खा जाऊंगा मादर। हैं? खा ले चाट के खाना, ताजा बारबेक्यू सॉस डाला है, फ्रेश है, खा ले। पता नहीं क्यों लोग हमारी वीडियोस देख के बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तुम लिजर्ड हो या बंदे? ये तो आधार कार्ड पे नहीं लिखा है, छुआड़ा काट के देखता हूँ, उग गया वापस तो लिजर्ड, वरना यही एक तरीका है। अबे पाव फेंके दो उन्होंने हवा में। चुप रे काली बिल्ली। काली बिल्ली की शक्ल गर्ल लुक्स लाइक बकरी, शक्ल लोमड़ी जैसी है, बंदर बंदरिया। बंदर सारे जानवर यही पल रहे तो जंगल में क्यों जाना। आजा आजा आंटी, एसी चाय लगाओ, बेयर ग्रिल्स भी आता ही होगा। जिन गिने चुने बंदरों को छुड़ा लिया गया ये उनका ठिकाना है। कभी ज़ू गए तो सब लोग हमारे। भाई ये हेट कमेंट्स पे क्या वीडियो बनाई है, इतनी क्रिएटिव। मतलब मैं नॉर्मल अगर सोचूं तो एक ही चेयर पे बैठ के बनाऊंगा, ये तो प्रॉपर सिनेमैटिक शॉट्स लेके बनाते हैं यार, वाओ। सभी फोटो खींचेंगे, लोमड़ी बंदरिया तो बाहर ही घूम रहे। कितना मजा आ रहा है आज का वीडियो बनाने में। कल की सर्विसिंग कराओ, दोनों सड़ गया है। कॉल करते। हेलो, आप सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं? जी हाँ, बोलिए। शक्ल का सर्विसिंग करवाना है। शक्ल का सर्विसिंग होता है क्या आपके पास? नो सर, अपना ये कार का शोरूम है, कार का सर्विसिंग। अच्छा, कार का सर्विस सेंटर। ओ अच्छा। आपके यहाँ पे सब चीज का सर्विसिंग हो जाता है? सब चीज बोले तो शक्ल का सर्विसिंग होगा क्या? शक्ल हाँ, चेहरा सुधारना है। चेहरा सुधारना उसका तो नहीं होगा। तो किधर जाए उसके लिए? आप ब्यूटी पार्लर में जाइए। अच्छा ठीक है। मुंह पे रिपेयर वर्क कराओ। I got so many DMs asking me about my skincare routine. Here are all the products. अबे ये क्या स्किन केयर के लिए भाई इतना औजार? स्किन ये सब पढ़ के कंटेंट पे ध्यान नहीं, स्किन केयर पे ध्यान जा रहा। अब पीजी का शक्ल बिल्कुल चिंटू जैसा है। चिंटू चिंटू यहाँ से चिंटू चिल्लाओगे ना 50 लोग घूम के देखेंगे। कौन सा वाला? न्यूडल मैगी जैसा शक्ल, मैगी की कटोरी। आज मैं आप लोगों के लिए मैगी कटोरी चाट की रेसिपी लेके आई हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले मैगी को हम कर लेंगे कुक और उसके बाद हम इसे ट्रांसफर कर देंगे एक कटोरी में। अबे यार उसके बाल उठा के कटोरी में रख रहा है। इसके ऊपर डालेंगे टमाटर, थोड़ा सा प्याज। मैगी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। पिंपल की दुकान, दुकान से ले जाओ भाई, होलसेल में पड़ा है। अरे बाप रे, स्टॉक हो गया, एक पे सारे फ्री। पिंपल ले लो, खुशी ले लो, फ्री में ले लो, प्लीज कोई तो ले लो। सारी प्रॉब्लम हमारी शक्ल की है ना यार। तेरे लेग का तलवा बहुत बेकार है। सुंदर हैंडसम तलवा किसका होता है? तलवा पिक कौन से वीडियो में रहा है? 6 महीने से मैंने खुद का तलवा नहीं देखा भाई। हाँ डॉक्टर, सच में यार ये तलवे कैसे देखते हो भाई? ये तो मतलब अंडर द फीट वही होता है तलवा, बट कौन देखता है भाई वो। प्लास्टिक सर्जरी करानी थी तलवे की, अब तलवा मॉडल बनना है मुझे। आई सडनली नोटिस दैट अभ्युदय हैज नॉट कट हिज नेल्स। अबे ये कहां से देख लिया? मिलियन और हमारे बीच नाखून ही आ रहे थे। अरे वो क्लास मॉनिटर, अपने पोस्ट का रॉब स्कूल में झाड़ो ना, यूट्यूब पे भी नेल चेकिंग। नाखून तलवे कंटेंट कोई देख भी रहा है? ये दोनों में कौन लड़का है और कौन सा लड़की है? अरे बाप रे, अबे अबे विग बना दी, हमें भी नहीं पता। ऑप्शन ए ये ऑप्शन बी लड़की है। हाँ 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 मैं सही हूँ, ऑप्शन बी लड़की है। आप ही डिसाइड करो कि कौन लड़की है। अरे इनकी माँ सुअर की औलाद, सुअर का बच्चा, स्लैप पॉइंट। वीडियो डाली ना आज को? क्या बोल रहे हैं लोग? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बोल रहे, एकदम स्वीट कमेंट। मादर तेरे बाप ना मारूंगा ना, बाप भी याद रखेगा। सिर्फ तारीफ है। अच्छा गाइस, मेरे को भी मतलब इतने हेट कमेंट्स आते हैं तो मैं तो इग्नोर ही करता हूँ ऑब्वियसली यार, क्योंकि आई थिंक जब मेरे 1000-2000 सब्सक्राइबर थे, अब तो 70,000 हो जाएंगे कुछ टाइम में, तो मेरे को मेरे एक व्यूअर ने बोला था कि यार आप हेट कमेंट्स को ना इग्नोर किया करो वरना आप ग्रो नहीं होगे।
तो तब से मैंने हेट कमेंट्स को इग्नोर करना चालू कर दिया, सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स देखता हूँ। यार हर यूट्यूबर को ना हेट कमेंट्स तो आते ही हैं, चाहे भुवन मम ले लो, कैरी मिनाटी ले लो, आशीष चंचलानी ले लो, उन लोग को आते तो हमें क्यों नहीं आएंगे फिर, है ना। सबके हेटर्स तो होते ही हैं। आपकी भी की क्या बेटी पैदा की है, तुम दोनों के मम्मी को अबॉर्शन करवाना चाहिए। मुझे जन्म देना ही तुम्हारे माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है। चलो बढ़िया, आज पहली बार मैंने अपने बॉस को भी भेजी है तुम्हारी वीडियो, कमेंट देख के प्राउड होंगे। बाप रे गए नहीं, हे गॉड ऐसे बच्चे किसी को ना दे। अरे मम्मी देखो ये क्या कमेंट आया। अरे इनको कैसे पता मैं रोज पूजा में क्या मांगती हूँ। क्या मम्मी भी हेटर निकली, कैसे रोकूं हेट को। वो दिन अच्छे थे जब मैं स्कूल गर्ल थी। स्कूल गर्ल के बारे में कुछ मत बोलना। याद है जब हम जस्टिन बीबर का बेबी सुनते थे तभी। फॉरेन गाने के बारे में कुछ भी मत बोलना। टी सीरीज, टी सीरीज के बारे में, टी सीरीज के बारे में कैसे बोला, किस पे बोलना है फिर, दिमाग गर्म हो रहा है। अबे टी सीरीज को कौन डिफेंड करेगा, उनका फैन कौन है भाई, वो तो लेबल है म्यूजिक कंपनी। म्यूजिक कंपनी लेबल का कौन सा फैन होता है भाई, इंडिविजुअल क्रिएटर और आर्टिस्ट का होता है। ये क्या है, टी सीरीज को कौन डिफेंड कर रहा है। ठंडा पिला, कोको कुछ पिला, कोका कोला के बारे में कुछ मत बोलो। हे भगवान यार तेरा फोन, आईफोन के बारे में कुछ गलत मत बोल। मामा का कॉल था यार छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ नहीं बोलना। मैं जा रहा हूँ यार कैब। हाँ भैया वो BSNL के बिल्डिंग से लेफ्ट। BSNL के बारे में कुछ नहीं बोलना। ऑनलाइन छोड़िए सब छोड़। क्या है भाई, इसके बारे में मत बोलना, उसके बारे में मत बोलना, तो क्या ही करे ये लोग, रोस्टिंग बंद ही कर देते फिर, है ना, यही कर देंगे ये लोग। बाहर चलते हैं, बारिश का मौसम है। छाते के बारे में कुछ मत बोलो। अबे नाम तक नहीं लिया था इसका, कुछ बोला ही नहीं इसके बारे में। यार तो एक काम करो, जाके बादल तल के खा जाओ ताकि थोड़ी धूप आए। यार धूप के बारे में तो ऐसा मत बोलो। ये एक्चुअली कमेंट्स आए हैं इन लोग को ऐसे, व्हाट। अबे ये क्या है, चुप मत रहो। अबे लाइक के बारे में कुछ कहा तो। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Moral of the story, आपका कहा हुआ हर शब्द किसी ना किसी को तो ऑफेंड करेगा। Exactly, तो ये फिजिक्स वाला के ऊपर इनडायरेक्टली रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी करो कुछ ना कुछ तो मतलब किसी ना किसी को ऑफेंड तो करेगा ही, दैट्स व्हाट दे मेंट। देखो गुटखा खाने से भी मना करो तो आ जाएगा, अजय देवगन पे मत बोलो, पर इंटरनेट पे रहना है तो इसकी आदत तो लगानी पड़ेगी। मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेगी, बुरा लगता है कभी कभी, पर ठीक है यार, अब 6 साल से सुन रहे गाली। जो कमेंट्स हमने दिखाया वो तो मस्ती के थे, मतलब इससे भी काफी गंदी चीजें भी आती है। अच्छा दिखाना जरा गाली। जो कमेंट्स हमने दिखाया वो तो मस्ती के थे, मतलब इससे भी काफी गंदी चीज। और दल्ले मादर बहन के, अरे बाप रे ये तो लिटरली बहुत गंदी गाली है। तेरी मम्मा की फाड़ दूंगा बहन के, तेरे बाप की वीडियो क्यों बनाता है मादर। ये फिजिक्स वाला के अगेंस्ट में, जब अगेंस्ट नहीं बोलूँगा उनके ऊपर जब वीडियो बनाई थी तो ये कमेंट आए हैं, मादर फाड़ के इतना बड़ा डालूंगा कि ये वाली 7 पुश्तों की में दर्द होगा बहन, डबल मीनिंग की दुकान दल्ले तेरी माँ। क्या है? मैं तो पूरी पूरी गाली भी नहीं पढ़ रहा हूँ गाइस, कितना गंदा लिखा है, ओ माय गॉड। चीजें भी आती है, मैं देखा है आप लोग भी बहुत ऐसे लोगों से लड़ते हो जो हेट करते हैं, भाई मत लड़ो, सुन के हंस के छोड़ दिया करो, पर ऐसी बात भी नहीं है, हमें अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, जैसे स्लीप पॉइंट इज गुड, वाह पर टट्टी वीडियो देता है। व्हाट द हेल, ये क्या है, क्यों हम अभी तो ठीक, कौन दे गया ये भाई, तेरा घटिया आदमी है ना तू। मैंने तेरे को KGF चैप्टर 2 में लिया है, कमेंट लिखा है कि पहेली सॉल्व करने दी है। घटिया है, तुझे मूवी में रोल मिला है, मूवी रिलीज होने के बाद मुझे उसमें रोल मिला है। ब्रो तन्नारे ताने ताने तन्नारे ताने ताने रे, प्ले पॉइंट है शक्ल से गंदे। अच्छा मगर कमेंट करने वालों बहुत अच्छे हैं, स्ले पॉइंट यू आर ओपी। ठीक है यार ऑनेस्टी है, चक्कर से तो गंदे ही है ना तेरे, चलेगा पूरी दुनिया ओपी, गाली देने वाले भी ओपी बेस्ट। स्ले पॉइंट सेल्फी वन, आप नफरत नहीं करते क्या। बहुत ही ज्यादा बढ़िया वीडियो बनाई है यार, सच में बहुत गंदे गंदी चीजें आती हैं यार। यार आप कोई भी क्रिएटर ले लो, भले ही बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो या
मीडियम सब्सक्राइबर्स हो या बहुत कम सब्सक्राइबर्स हो, गाली देने वाले तो आते ही हैं। जैसे मुझे भी बहुत लोग, गाली तो अभी इतनी नहीं आई है, लेकिन हाँ कुछ कुछ लोग बकवास बहुत करते हैं, बकवक बहुत करते हैं, तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन जो ये इन लोग ने लास्ट का एक मैसेज दिखाया था, बाप रे, उसमें बहुत ही ज्यादा गंदा और बहुत ही ज्यादा वाहियात बोला था यार। मतलब तुम कैसे बोल सकते हो यार? आपका क्या ओपिनियन है गाइस, प्लीज इसमें मुझे बताना कि ये जो गाली देते हैं इन लोगों को इग्नोर करना चाहिए या तो इनको रिप्लाई कमेंट में इनसे लड़के, मतलब लड़ो इनसे, क्या करें आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना कि इन लोगों को हैंडल कैसे करें। ऐसे तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा बढ़िया बनाई थी, आप इनको कोई भी टॉपिक दे दो, मजेदार एंटरटेनिंग वीडियोस तो ये बनाते हैं। आपको इनका वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मैं आपके लिए मजेदार, जेन्युइन और एंटरटेनिंग वीडियोस लाता रहूंगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।